हमारे रोजमर्रा के जीवन में क्या हमारे पास शून्य के बारे में विचार करने का समय है? मेरा मानना है कि अधिकतर लोग यही कहेंगे, मेरे पास ऐसा करने के लिए एक क्षण भी नहीं है। हमारे पास अपने काम और जीवन में बाकी सभी चीजों के कारण समय की कमी है। आज के इंसान का जीवन पहले से कहीं अधिक व्यस्त है। हम हर रोज अपनी ओर से वो सब पूरा करने का प्रयास करते हैं जो किया जाना चाहिए, लेकिन अगर हम स्वयं को इस व्यस्त दिनचर्या में बांधे रखते हैं तो हम धीरे धीरे अपने ही सच्चे स्वरूप से दूर होते चले जाएंगे। फिर कहने को तो हम हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, लेकिन हमारे जीवन में सच्ची प्रसन्नता कहीं नहीं रहेगी। हर दिन आपको अपने लिए केवल 10 मिनट की ही आवश्यकता होती है। शून्यता या खालीपन के लिए रोज थोड़ा सा समय निकालें और उस थोड़े से समय के लिए किसी एकांत जगह पर जाकर बैठ जाएं और किसी भी चीज के बारे में ना सोचें। बस खुद को शुद्ध होने दें और आसपास की वस्तुओं पर भी ध्यान ना दें। बस खुद को विचार शून्यता की ओर जाने दें। हालांकि शुरुआत में ये मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी प्रयास करें। जब आप विचार शून्यता की तरफ बढ़ने का प्रयास करेंगे तो उस समय आपके मन में कई तरह के विचार आएंगे, परंतु उन्हें एक एक कर विदा देने का प्रयास करें। जब आप अगले कुछ दिनों तक अकेलेपन का अभ्यास करेंगे तो आप वर्तमान क्षण को महसूस करने लगेंगे। आप प्रकृति के उस सूक्ष्म बदलाव को समझने लगेंगे जो आपको जीवंत रखता है। जब दूसरी चीजों से आपका ध्यान नहीं भटकता, तब आपका शुद्ध और ईमानदार स्वरूप निखर कर सामने आता है। फिर आपको लोगों के सामने शांत, खुश और स्थिर दिखने का दिखावा नहीं करना पड़ता, बल्कि ये सारे गुण खुद ब खुद आपके अंदर से आते हैं और आपके चेहरे पर झलकते हैं। इसीलिए हर रोज किसी चीज के बारे में नहीं सोचने के लिए समय निकालें। यही आपके सरल जीवन जीने व रचने की दिशा में पहला कदम होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।